Nurturing excellence. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अवेकेशन एकेडमी के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल का। भाई अभी अपन ने नॉन वर्बल के चैप्टर से स्टार्ट कर रखे, ठीक है। तो यहाँ अपन ने इससे पहले अपन क्लासिफिकेशन का वर्बल वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन देख रहे हैं नॉन वर्बल का क्लासिफिकेशन का चैप्टर। ओके, तो देखो वर्बल वर्बल हो या नॉन वर्बल, क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चन है वो होते तो सेम टाइप की है। जैसा कि अपन ने पिछले देखा था कि क्लासिफिकेशन मींस टू असोल द आइटम्स ऑफ ए गिवन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन क्वालिटी दे पोजेस दे एंड देम स्पॉट द ओड वन आउट। कि क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि अपने को जो भी वर्ड्स नंबर्स या लेटर्स, ठीक है, या फिगर्स, भाई यहाँ बात होगी अपनी फिगर्स को भी कि वो दिए हुए होते हैं। तो यहाँ अपने को क्या करना पड़ता है भाई, उनकी एक क्लास बनाते हैं। भाई क्लासिफिकेशन के अंदर क्या करते हैं, अपन क्लास क्रिएट करते हैं और उस क्लास से क्या करते हैं कि अपन देखते हैं कि उस क्लास के अंदर एक क्या होता है कि डिफरेंट होता है ऑप्शन, उसको अपन फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ अपने को क्या करना है, ओड फाइंड करना है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि क्लासेस में डिवाइड करना, डिवाइड इनटू पार्ट्स, कि जो भी अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है उसके लेटर्स नंबर्स या वर्ड्स उनको एक क्लास में डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ अपन क्लास में डिवाइड किसको करेंगे, ऑप्शंस को। यहाँ अपने को जो चार ऑप्शन दिए जाते हैं क्वेश्चन में उनको अपन क्या करेंगे, एक क्लास के अंदर डिवाइड करेंगे और वहां अपन देखेंगे कि वहां सिमिलर कितने हैं एंड डिफरेंट कितने हैं। तो वहां अपने को मिलता है कि थ्री ऑप्शन आर सेम एंड वन इज डिफरेंट, तो अपना आंसर डिफरेंट वाला हो जाता है क्योंकि अपन यहाँ पे ओड वन फाइंड करते हैं या फिर सिमिलर फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन का अपन ने पहले भी समझ लिया था कि क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है कि जो अपने को दे रखा है क्वेश्चन में उसको एक एक क्लास के अंदर डिवाइड करना, ठीक है, क्लास के अंदर या फिर उसको अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करना, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन अपने पिछले पहले भी देखा कि वहां अपने क्या क्या एलिमेंट्स यूज में लिए थे, वहां अपन ने लिए थे लेटर्स नंबर्स एंड देन वर्ड्स, और यहाँ अपन एलिमेंट्स क्या यूज में लेंगे, यहाँ अपन लेंगे फिगर्स। भाई यहाँ अपने को फिगर्स दिए हुए होंगे उनको अपन क्या करेंगे अलग अलग क्लास में डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्लासेस में डिवाइड करेंगे। अब देखो वो क्लास को डिवाइड कैसे करते हैं कि उनकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, तो उन सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं उनको एक क्लास में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन का चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, इससे एवरी ईयर आपसे एक से टू क्वेश्चंस, वन से दो, मतलब वन टू टू क्वेश्चंस एवरी ईयर आते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, आपके इससे क्लास को लास्ट तक देखते रहना है, क्लास के में लास्ट तक जुड़े रहिए। अगर आपकी क्लास पूरी देखते हैं एंड देन आप 10 टू 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपके बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा एंड आपके एग्जाम में किसी भी लेवल की क्वेश्चन आए आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ अपने को ओड फाइंड करना पड़ता है कि क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं कि अपने को जो ऑप्शंस दिए हुए थे उनको अपन एक क्लास में क्रिएट करते हैं या फिर उनको एक क्लास में रखते हैं, बट वहां क्या होगा कि एक ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा डिफरेंट होगा, तो वो डिफरेंट वाला अपने को क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। भाई जब सेम टाइप के ऑप्शंस होंगे, ठीक है, चार ऑप्शंस आते हैं अपने, तो उसमें से क्या होगा कि वो एक क्लास को बिलोंग करेंगे, वो चारों ऑप्शन क्लास को बिलोंग करेंगे, बट उनके अगर बीच में रिलेशन देखा जाए तो तीन के बीच में तो सेम रिलेशन होगा बट एक ऐसा होगा जिसमें डिफरेंट रिलेशन होगा, तो वो डिफरेंट रिलेशन वाला ही अपने को फाइंड करना होता है, ठीक है। यहाँ अपने को क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन, आपको वो सिलेक्ट करना है जो विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री, कि जो अदर थ्री से क्या हो डिफरेंट हो, ठीक है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में क्या बना हुआ था कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, देन उसके अंदर क्या बना हुआ है एक स्क्वायर और बाहर भी एक ट्रायंगल, यहाँ एक बिग ट्रायंगल है एंड एक स्मॉल ट्रायंगल है,
फिर यहाँ देखा कि यहाँ एक रेक्टेंगल दिया हुआ है या क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है, उसके अंदर एक सर्किल है और एक स्मॉल क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। फिर वहां देखा अपन ने कि यहाँ एक जो बड़ी साइज का है उसी साइज का सेम है। फिर यहाँ सेम देखो, अब यहाँ क्या होना चाहिए था भाई, एक सर्किल था, अब उसके अंदर भी एक सर्किल बना हुआ है, तो बाहर जो बना या तो सर्किल बनना चाहिए था। फिर अपन ये देखा कि जो दो डायग्राम बन रहे थे उसके इनर और आउटर जो थे ये डिफरेंट डिफरेंट थे, बट इस ऑप्शन फोर में सेम आ गए, ठीक है। और जो इनर जो आउटर पार्ट था उसी टाइप का एक बाहर की तरफ एक स्मॉल और बना हुआ था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन फोर डिफरेंट हो गया। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा फोर। बस आपको ऐसे ही करना है भाई, आपको चार डायग्राम दिए हुए हैं, उन चार डायग्राम में अपन देखेंगे कि तीन डायग्राम में क्या होगा कि सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, बट एक डायग्राम ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा, तो वो डिफरेंट वाला ही अपने को फाइंड करना है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने फिर से देखा कि यहाँ क्या डायग्राम बने हुए थे, तो यहाँ पर ने देखा कि एरो अंदर की तरफ जा रहा है, सेकंड में अपन ने देखा कि सेकंड में अंदर भी क्या हो रहा है कि एरो बाहर की तरफ आ रहा है, थर्ड में अपन ने देखा कि जो एरो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, एंड फोर्थ में अपन ने देखा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, एरो बाहर की तरफ जा रहा है। तो देखो सेकंड में थर्ड में एंड फोर्थ में तो क्या हो रहा है, जो ये एरो बना हुआ है ये बाहर की तरफ है, एंड जो फर्स्ट डायग्राम था इसमें एरो अंदर की तरफ था, तो ये डिफरेंट हो गया भाई। यहाँ क्लास बनी हुई थी कि यहाँ कोई सेम थी और उसके अंदर एक एरो बना हुआ था, तो देखो यहाँ चारों ही डायग्राम बने हुए थे, चारों में एरो था, बट यहाँ एरो में ये प्रॉपर्टी मिली कि तीन जो ऑप्शन थे वहां तो एरो था, उसकी जो फेस की डायरेक्शन थी वो इनर से आउटर की तरफ थी, बट ऑप्शन वन में क्या था कि ये आउटर से इनर की तरफ था, तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अपने को दिया हुआ है कि यहाँ अपने को चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से अपन देखते हैं कि यहाँ एक तो डार्क हो रहा है, ठीक है, स्क्वायर, और एक हो रहा है जिसके अंदर है लाइटिंग। फिर अपन ने सेकंड में देखा कि सेम है एंड वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। जब थर्ड में अपन ने देखा कि थर्ड में था बट ये जो लाइटिंग थी ये उससे स्क्वायर के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, जबकि अदर में क्या था ये पैरेलल ना होके ये एंगल पे 45 डिग्री के एंगल पे थी, तो ठीक है ऑप्शन थ्री के अंदर ये डिफरेंट हो गई, तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में फिर से वो दे रखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री, कि अपने को वो फाइंड करना है जो अदर तीन से क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ अपने को देखो क्या मिला कि ऊपर क्रॉस देन इक्वल देन सर्किल फिर प्लस और नीचे बना है स्क्वायर, सॉरी ट्रायंगल। फिर सेकंड में देखा कि ऊपर बना हुआ था ट्रायंगल देन सर्किल फिर प्लस देन इक्वल एंड मल्टीप्लाई। ऑप्शन थ्री में अपन ने देखा कि इक्वल देन ट्रायंगल फिर मल्टीप्लाई प्लस और नीचे है सर्किल, ठीक है, और ऑप्शन फोर में अपन ने देखा कि क्रॉस फिर सर्किल रेक्टेंगल देन है ट्रायंगल उसके बाद में है इक्वल। तो यहाँ अपन ने देखा कि इन सब में क्या हो रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट में थर्ड में एंड फोर्थ में क्या हो रहा है, नीचे की तरफ एक ही वन डायग्राम बन रहा है, ठीक है, एंड ऊपर टू टू डायग्राम है, ठीक है, टू टू डायग्राम है, यहाँ नीचे बन रहा है वन डायग्राम, तो बट जो ऑप्शन सेकंड था इसमें ऊपर की तरफ वन बन गया, नीचे टू टू है, तो ये डिफरेंट हो गया, तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने को दे रखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन इज विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री, की अदर थ्री से अपने को एक डिफरेंट फाइंड करना है, ओल्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ने देखा कि यहाँ अपने डायग्राम में क्या बन रहा था कि यहाँ एक एरो था, यहाँ टू एरो बने हुए थे जो एक दूसरे से कौन सी डायरेक्शन में थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे, फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड में ऊपर ने देखा कि यहाँ टू एरो बने हुए हैं और दोनों के दोनों एरो क्या है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, बट ऑप्शन थ्री के अंदर क्या हो रहा है कि इनकी डायरेक्शन क्या है, दोनों की सेम है, ठीक है, एंड ऑप्शन फोर के अंदर देखो फिर से वही हो गया कि इनकी डायरेक्शन किधर है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ जो सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन है ये डिफरेंट हो गया भाई, इसमें दोनों एरोज की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, ठीक है। तो ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर, क्योंकि अपने को ओ डिफाइन करना था और यहाँ ओ डी ये डिफरेंट है,
कि अगर थ्री ऑप्शन में तो क्या दोनों एरो की डायरेक्शन एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में, बट यहाँ ऑप्शन थ्री में दोनों ही एरो की सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमने को दे रखा है कि सर्किल है और इसमें एक ये रोटेशन का साइन है, तो देखो फर्स्ट ये कहाँ था, फर्स्ट वाले में इस जगह था, सेकंड में अपन ने देखा कि ये एक स्टेप आगे चल गया तो नीचे आ गया, फिर उससे नेक्स्ट में देखा कि फिर से एक स्टेप आगे चला गया, ठीक है, तो उससे नेक्स्ट में ये कहाँ जाना था, ये यहाँ आना चाहिए था, एक स्टेप आगे चला तो, बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ये पहले चल रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट ऑप्शन फोर में ये किधर चलने लग गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यही यहाँ यहाँ तो चल रहा था एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जबकि यहाँ चलने लग गया ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑप्शन फोर में, तो ये डिफरेंट हो गया, तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर ही से राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ए सीरीज ऑफ फिगर इज गिवन व्हिच कैन बी ग्रुप्ड इनटू क्लासेस, सेलेक्ट द ग्रुप ग्रुप इनटू व्हिच द फिगर कैन बी क्लासिफाइड फ्रॉम द गिवन रिस्पांस, ठीक है। देखो ये वो तो थी हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन भी, क्लासिफिकेशन भी क्या, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे वो तो अपन ने देख ली कि वहां अपने को चार ऑप्शन दिए हुए होते हैं और वहां उनमें से एक अपने को कोड फाइंड करना होता है, बट यहाँ जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके के आते हैं कि यहाँ ये बोल रहा है कि अपने को जो फिगर दे रखे हैं उनको क्या करना है, एक क्लास के अंदर ग्रुप बनानी है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि उन जो अपने को दे रखा है डेटा उसके क्या करना, क्लास क्रिएट करना, क्लासों में डिवाइड करना, तो यहाँ ये ऐसे ही बोल रहा है कि यहाँ अपने को जो फिगर दे रखे हैं इनको अपने को ग्रुप बनाने हैं अलग अलग क्लासेस में, सेलेक्ट द ग्रुप इनटू व्हिच फिगर कैन बी क्लासिफाइड फ्रॉम द गिवन रिस्पांस, मतलब जो सेम टाइप के जो रहेंगे फिगर उनकी अपन क्लास क्रिएट कर देंगे, ठीक है, और वो क्लास क्रिएट करने के बाद में अपना कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो चीज अपने को देखनी है, ठीक है। तो यहाँ अपन देखते हैं, देखो फर्स्ट में देखा कि फर्स्ट में क्या है कि एक रेक्टेंगल बना होता है और उसके बाहर भी क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, फिर ऐसा सेम देखते हैं कि ऐसा कौन से में है, तो सेकंड में ऐसा नहीं हो रहा, थर्ड में भी हो रहा, फोर्थ भी ये चीज हो रही है कि एक सर्किल बना हुआ था एंड उसके बाहर भी एक सर्किल बना हुआ, उससे देखने का फिफ्थ में भी है, सिक्स में भी है, सेवन्थ में भी है, एट में भी है एंड नाइन्थ में, नाइन्थ में क्या हुआ, एक सर्किल था एंड देन उसके बाद में फिर से एक सर्किल है, तो यहाँ एक पेयर क्या बना, वन फोर एंड नाइन, वन फोर नाइन, ठीक है, ये एक पेयर बन गया वन फोर नाइन। अब देखते हैं सेकंड कि यहाँ सेकंड में बन रहा था कि ये एक शेप बनी हुई थी जो थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि थ्री पार्ट्स में कौन सी डिवाइड है, यहाँ आ गया अपने पास फाइव, तो एक पेयर बना टू देन फाइव, उसके बाद में देखते हैं थ्री, या तो टू है, फिर सेवन में देखा कि फर्स्ट सेकंड और थ्री पार्ट में डिवाइड है, तो एक हो गया सेवन, तो ये सेकंड पेयर बन गया। अब देखते हैं थर्ड पेयर, तो यहाँ जो रिमेनिंग बच गई वो थर्ड पेयर में हो जाएंगी, भाई यहाँ अपने को दिख रहा है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि थ्री थ्री डायग्राम्स के पेयर बन रहे हैं, तो फर्स्ट पेयर बना अपना वन फोर नाइन, सेकंड पेयर बना अपना टू फाइव सेवन, अब थर्ड बन जाएगा जो रिमेनिंग बच गया थ्री, देन उसके बाद में आएगा सिक्स, उसके बाद में आएगा एट, तो इस तरीके से अपने तीन पेयर बन गए, तो अब चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन पे मैच हो रहे हैं, वन फोर नाइन टू फाइव सेवन एंड थ्री सिक्स एट, ये थ्री पेयर बन गए, तो यहाँ देखे टू के साथ में टू, थ्री के साथ में तो सिक्स एट है, तो ऑप्शन वन गलत हो गया, फिर थ्री फोर वन, थ्री के साथ तो सिक्स एट है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, फिर वन फोर नाइन, तो वन फोर नाइन अपना पेयर बना है, उससे नेक्स्ट अपन ने देखा थ्री थ्री एट सिक्स, ये भी अपना पेयर बन रहा है, और टू फाइव सेवन ये भी एक पेयर बन रहा है, तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, कि ऑप्शन थ्री के अंदर जो दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने पेयर बने हैं, जब अपन ने इनके क्लासेस के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अपने को वही दे रखा है कि ये सीरीज वो अपने को एक फिगर्स की सीरीज दे रखी है, भाई यहाँ अपने को नाइन डायग्राम्स दे रखे हैं, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे इनको क्लासेस में डिवाइड करना है, मतलब थ्री थ्री डायग्राम्स की अपने को थ्री क्लास क्रिएट करनी है, बट वो उनपे जो रिलेशन है वो सेम होना चाहिए, उनमें लॉजिक सेम लगना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से अपने को डिवाइड करना है, तो यहाँ देखो अपन ने फर्स्ट डायग्राम देखा कि ये एक बन रहा है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटर, ठीक है, तो यहाँ अपने को पता चला कि ऑप्शन वन की सॉरी जो फिगर वन है उसके अंदर क्या है, क्वाड्रेटर है, अब देखते हैं कि सेकंड कौन सा है फिगर जिसमें क्वाड्रेटर बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है अपना ऑप्शन फोर में, ठीक है, उसके बाद फिर से देखा कि यहाँ नेक्स्ट और देखते हैं कि कौन से में क्वाड्रेटर बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है कि फिगर एट में, तो
तो यहां अपना पेयर क्या बना, एक बना 1 9 4 8, 1 9 4 8, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं कि सेकंड पेयर कैसा बनता है। तो सेकंड में देखो अपने पास ये एक शेप बन रही है ग्लास टाइप की, तो टू, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि किसमें बन रही है, मतलब जिसमें एक सर्किल बन रहा हो, ठीक है। फिर देखा अपने नेक्स्ट सिक्स में एक सर्किल बन रहा है, तो आ गया सिक्स। देन नाइन के अंदर सर्किल बन रहा है क्योंकि एक होल है, तो उसके अंदर भी एक सर्किल बन रहा है, तो यहाँ बन गया नाइन, ये सेकंड पेयर बन गया। अब देखते हैं थ्री, थर्ड पेयर, तो यहाँ बन गया थ्री। देन देखते हैं कि फाइव एंड देन सेवन, ठीक है। तो ये अपने थ्री, तीन पेयर बन चुके हैं, 1 4 8 2 6 9 8 3 5 7। मतलब यहाँ अपने को क्या करना है कि सिमिलर टाइप के जो फिगर्स हैं उनको अपने को एक क्लास में क्रिएट कर देना है। तो यहाँ अपने पास क्या होंगे कि नाइन डायग्राम आएंगे, और नाइन डायग्राम की जब अपने इनको क्लास में डिवाइड करेंगे तो थ्री थ्री डायग्राम की थ्री तीन क्लास क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ अपन चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में है, 1 4 8। तो देखो ऑप्शन थ्री में 1 4 8 है। अब सेकंड देखते हैं 2 6 9, देखो 2 6 9 भी बना था अपना, 3 5 7 ये भी बना था। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर, ठीक है। ये आप ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो कि अगर अपना एक पेयर बन गया तो सेकंड पे अपन ऑप्शन की हेल्प से बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ अपना आंसर हो जाता है ऑप्शन थ्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वो ही है कि ए सीरीज ऑफ फिगर इज गिवन इन विच कैन बी ग्रुप इन टू क्लासेज, कि आपको एक फिगर्स की सीरीज दी हुई है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि डायग्राम्स की क्या क्लासेस के अंदर ग्रुप बनाए गए हैं। तो आपको देखना है कि इसके अंदर जो तीन ग्रुप बनेंगे वो कौन से ऑप्शन में मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि जो फर्स्ट डायग्राम था इसके अंदर क्या है कि एक ट्रायंगल है, और उसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है जो क्या है डार्क है। अब फिर सेकंड में चला तो स्क्वायर था, बट अंदर क्या है सर्किल। अब थर्ड डायग्राम में गए तो देखो एक सर्किल के अंदर सर्किल बना हुआ है जो इसके बॉटम पे है एंड डार्क है, जैसा कि ऑप्शन वन में फिगर वन में था, तो फिगर थ्री सेम हो गया। तो यहाँ 1 3, फिर नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ ऐसा दिखता अपने को फिगर एट, जिसके अंदर एक स्क्वायर है और उसके बॉटम पे भी एक स्क्वायर बना हुआ है स्मॉल जो डार्क कलर का है। तो यहाँ हो जाएगा एट, एक पेयर ये बन गया। अब देखते हैं सेकंड पेयर, तो यहाँ आया टू। देन देखते हैं कि यहाँ एक रेक्टेंगल बना हुआ स्क्वायर बना हुआ था, और उसके बीच में क्या था डॉट। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ऑप्शन फाइव के अंदर भी सेम है कि एक ट्रायंगल बन रहा है और उसके बीच में कितना है डॉट। तो यहाँ हो गया 2 5। अब इसका थर्ड देखें तो यहाँ बन रहा है देखो 7 की एक सर्किल एंड देन नीचे बन रहा है एक डॉट। तो ये सेम क्लास में हो गए। अब देखते हैं थर्ड क्लास के, थर्ड में देखो कौन सा आएगा। एक तो आ गया थ्री तो अपना आ चुका है, तो यहाँ हो जाएगा फोर की यहाँ एक ही ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। फिर है देखो सिक्स की यहाँ स्क्वायर के अंदर स्क्वायर एंड देन है नाइन कि एक सर्किल के अंदर सर्किल। तो यहाँ अपने को तीनों पेयर बन चुके हैं। अब चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन मैच हो रहे हैं कि 1 3 8, तो 1 3 8 तो हो रहा है ऑप्शन डी के अंदर, ठीक है, 1 डी के हो रहा है। फिर देखते हैं 2 5 7 एंड 4 6 9, तो यहाँ ऑप्शन सिक्स इज राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन सी अपने से मैच हो रहा है जो अपन ने इससे जो फिगर्स दे रखे थे इनको एक क्लास में इनको डिवाइड किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट फिर से सेम क्वेश्चन टाइप का है कि ए सीरीज ऑफ फिगर इज गिवन विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू क्लासेस, सेलेक्ट द ग्रुप इनटू विच द फिगर कैन बी क्लासिफाइड फ्रॉम द गिवन, ठीक है। कि यहाँ अपने को एक सीरीज दे रखी है फिगर्स की जिसके अंदर अपने पास नाइन फिगर है, तो इन नाइन फिगर्स को अपने को क्या करना है कि एक क्लासेस तीन क्लासेस में डिवाइड करना है, मतलब एक क्लास में थ्री फिगर हो गए, तो अपने को थ्री थ्री फिगर्स की तीन क्लासेस में इनको डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन वन क्या है कि वो फिगर वन में क्या बन रहा है कि फिगर वन में बन रहा था कि एक ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल था। फिर देखा सेम सेकंड में ऐसा नहीं है, थर्ड में भी ऐसा नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में अपन ने देखा कि एक ही रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल बन रहा है, तो यहाँ हो गया फाइव। एंड नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑप्शन सेवन में कि एक सर्किल के अंदर सेकंड सर्किल बन रहा है, तो ये एक पेयर बन गया 1 5 7 से। अब देखते हैं सेकंड कि सेकंड की से सेम कौन बन रहा है कि यहाँ बना हुआ था एक स्क्वायर, बट एक उसकी एक जो अंदर वाला था वहां से ही उसे कट था। एंड देखा फिर ऑप्शन फिगर बन रहा है थ्री जो सेम था कि यहाँ सर्किल था बट उसमें भी थोड़ा सा कट था। फिर उससे नेक्स्ट अपन देखा कि ऑप्शन नाइन जो है उसमें भी है कि एक ट्राइंगल बन रखा है, और उसकी जो अंदर वाला ट्राइंगल है उसकी एक साइड क्या है कट है।
ये अपने पास दो ग्रुप बन चुके हैं। अब जो रिमेनिंग बचे हैं अपने पास, उससे अपन थर्ड वाला पेयर बना लेंगे। तो यहाँ अपने पास बचा है ऑप्शन 4, देन 6 एंड 8, ठीक है। तो अपन ने जो 9 डायग्राम दे रखे हैं, उन 9 डायग्राम से 3 3 डायग्राम की 3 क्लास ऑफ 8 को डिवाइड कर लिया है, क्योंकि अपने को क्लासिफिकेशन में क्या करना पड़ता है, जो फिगर दिए हुए उनको अपने को क्लासों में ही क्रिएट करना, उनको एक क्लास ही क्रिएट करनी है सेम टाइप के क्वेश्चन के, ठीक है। तो अब अपन ऑप्शन चेक करते हैं कि 1 5 7, तो देखो यहाँ 1 में 5 7 ऑप्शन सेकंड में आया, नेक्स्ट देखे 2 3 9 पर 2 3 9 भी बना, एंड थर्ड बना अपना 4 6 8, तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। तो अपने को जो 9 फिगर दिए गए थे, इनको अगर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग क्लासेस में इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाए, तो अपना आंसर आ जाता है ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो सेम कि ए सीरीज ऑफ फिगर इज गिवन व्हिच कैन बी ग्रुप्ड इनटू क्लासेस, कि यहाँ अपने को जो फिगर्स की सीरीज दी हुई है, मतलब अपने को 9 फिगर्स दे रहे थे, तो उनको अपने को क्या करना है कि ग्रुप बनाने, इनको क्लासेस में क्रिएट करना है, इनको सेम टाइप के, कि उनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ अपन देखते हैं कि 1 जो फर्स्ट फिगर है उसके जैसा कौन है, कि यहाँ फर्स्ट फिगर में क्या हो रहा है, ए लिखा हुआ है, बट मतलब इसमें लाइनें कितनी यूज हो रही है, 3। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि 3 लाइन की से बनी हुई कौन सी शेप है, तो यहाँ नेक्स्ट बन रहा है ऑप्शन 3 फिगर 3 एंड फिगर 4, ये 3 लाइन से बनते हैं, तो ये फर्स्ट बन गया पे। अब सेकंड देखते हैं कि 2 की में कितनी लाइनें यूज हो रही है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन। फिर देखते हैं कि 5 से कौन सा बन रहा है, फिर पेंटागॉन, तो 5 हो गया, उसके बाद 5 से बन रहा है ऑप्शन 9, तो यहाँ हो गया 2 5 9। अब जो रिमेनिंग बच गए वो लिख देंगे, तो यहाँ अपना हो जाएगा, यहाँ अपना हो जाएगा ऑप्शन 6, देन ऑप्शन 7, देन ऑप्शन 8, ठीक है। तो यहाँ अपने को तीन ग्रुप में अपन ने डिवाइड कर लिया। अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, कि 1 3 4 2 5 9 6 7 8, तो यहाँ ऑप्शन 1 में हो रहा है मैच, तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कि ये जो डायग्राम दे रखे हैं, अगर इनको अपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो अपने को इनके जो तीन तीन डायग्राम के क्या करने पड़ेंगे, ग्रुप बनाने पड़ेंगे, और वो कौन सा राइट होगा, ऑप्शन ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में फिर से ए सीरीज ऑफ फिगर इज गिवन व्हिच कैन बी ग्रुप इनटू क्लासेस, कि यहाँ अपने को फिगर्स की सीरीज दी हुई है, जिसको अपने को क्या करना है कि एक क्लास के अंदर उनके ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि सिमिलर टाइप के जो फिगर है उनसे क्लास कैसे बनती है, ठीक है। तो यहाँ अपने को दिखा कि जो ऑप्शन 1 है इसके अंदर क्या बना हुआ है, कि एक कुछ शेप बनी हुई है, उसके नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। तो सेम ऐसा ही देखते हैं कि किसमें बना हुआ है, तो यहाँ अपन ने देखा कि ऑप्शन जो फिगर 3 है इसमें सेम बन रहा है, ऑप्शन 4 में भी, कि यहाँ इसके बॉटम पे छोटी सी शेप बन रही है, ठीक है। फिर देखते हैं सेकेंड ग्रुप में, कि यहाँ जो 2 डायग्राम में बन रहा है इसमें क्या हो रहा है, कि लेफ्ट और राइट साइड में कुछ इनको खाली करने के हैं, क्योंकि ये शायद कुछ स्टोर करने का है लिक्विड वगैरह। फिर देखते हैं कि ऑप्शन 5 में इसमें भी सेम है, एंड देखा ऑप्शन 8 में, ठीक है, ये भी सेम है। अब जो रिमेनिंग बच गए वो सेम टाइप के हो जाएंगे, तो 3 देन 6 एंड देन 9, इसमें क्या हो रहा है कि फ्लावर्स है या फिर ये कुछ लीव्स है, तो ये ऐसा बन गया। तो यहाँ अपने ग्रुप बन चुके हैं, कि तीन तीन डायग्राम के 3 ग्रुप अपन ने क्रिएट कर लिए। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो देखते हैं फर्स्ट 1 3 4, तो 1 3 4 1 3 4 के अंदर मैच नहीं हो रहा है, 1 4 यहाँ अपना बन रहा है, 1 4 देन हो रहा है अपना 5 या फिर 7, तो 5 में तो हो रहा नहीं और 7 में हो रहा है, तो यहाँ अपना हो जाएगा, यहाँ अपन ने थोड़ा सा देखते हैं, देखो 1 देन 4 देन 7 1 4 7 हो चुका है। फिर सेकंड पेयर में देखें तो 2 5 एंड 8, सेकंड तो सही है, और थर्ड में हमने रिमेनिंग बच गए 3 देन 6 एंड 9, ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट है। तो अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, कि 1 4 7 देन 2 5 एंड 3 6 9, तो यहाँ ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, कि यहाँ अपने को 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से
एक क्या है कि तीन ऑप्शन से क्या है डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट वाला है अपने को फाइंड करना है कि उसमें क्या आएगा। तो यहां पर ने देखा कि यहाँ एक हाफ सर्किल बना हुआ है एंड देन उसके ऊपर क्या बना हुआ है ये कि इसको क्रॉस कट करते हुए क्या बन रहा है कि रेक्टेंगल। ठीक है, ऑप्शन थ्री के अंदर भी अपने को यही दिखा कि एक सर्किल बना हुआ था देन हाफ सर्किल बना हुआ है इसको कट करते हुए, एंड ऑप्शन फोर में देखा कि एक ट्रेंगल था और इसको एक सर्किल क्रॉस करते हुए बन रहा था। ठीक है, तो ये तो तीन तो सेम टाइप के हो गए, बट ऑप्शन जो सेकंड है फिगर जो सेकंड है वो डिफरेंट हो गया क्योंकि ये एक दूसरे को बिल्कुल क्रॉस करते हुए हैं, तो अपना यहाँ लॉजिक ये नहीं था। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गया, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री, कि अपने को तीन से एक थ्री डायग्राम से एक डिफरेंट डायग्राम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या है कि ऊपर की तरफ एक लाइन, नीचे दो है, बीच में सर्किल एंड एरो अंदर की तरफ। फिर सेकंड में देखा वही दो लाइन है, सिंगल लाइन सर्किल एंड एरो है बाहर की तरफ। फिर देखा थर्ड फिगर में कि या टू लाइन सिंगल लाइन सर्किल एंड देन एरो है अंदर की तरफ, एंड ऑप्शन फोर में टू लाइन वन लाइन एंड सर्किल एंड एरो अंदर की तरफ। मतलब ऑप्शन फर्स्ट में अंदर की तरफ, ऑप्शन थ्री में वो अंदर की तरफ, एंड ऑप्शन फोर में अंदर की तरफ, बट ऑप्शन सेकंड में क्या है बाहर की तरफ, तो ये डिफरेंट हो गया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। तो अपन ने क्लासिफिकेशन का जो नॉन वर्बल का चैप्टर था उसके अपन ने उसको समझा कि नॉन वर्बल की क्लासिफिकेशन किस तरीके से सोल्व की जाती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे क्लासेस में ग्रेड करते हैं, एंड अपन उसके बाद में अपन ने फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। क्योंकि क्लासिफिकेशन में जैसा कि आपको मैंने क्वेश्चंस करवाए आपके टू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों टाइप का कई बार क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली, आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस बहुत इजी होता है, आप भी इजीली क्लासेस में क्रिएट कर सकते हो। एक बार आप इस क्लास को देख लोगे तो आप इजीली कर पाओगे, एंड देन आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू देखते रहने के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किए, एंड अगर आपको आपको अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से या टेलीग्राम पे, ठीक है, आप हमें बता सकते हो, अपनी डिटेल भेज सकते हो। एंड इसी के साथ अपन आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद। Take free offline mock test every Sunday and evaluate your preparation. For this, visit our academy. Jai Hind.